सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों अभी इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपको दिखलाऊंगा कि पता नहीं नेपाल की पानी छूटने की वजह से हमारे गांव में कितना दिक्कत की समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमारे गांव के लोगों को। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं पूरा गाँव है और गाँव में पूरा पानी चला गया है, जबकि न बारिश हो रहा है, मतलब कि हो रहा था अभी तो रुक गया है, पानी पूरा कम था और अचानक नेपाल की पानी छूटने से हमारे गांव में इतना समस्या हो गया है कि सभी लोग का काम स्थगित हो गया है, रुक गया है, क्योंकि क्या दिखलाया जाए। आइए आपको हम लेकर चलते हैं पुल पर, देखिए बहुत लोग आए हैं देखने के लिए, बाबा देख रहे हैं। देख सकते हैं ये पूरा एक जंगल है, जलकुंभी इसको बोला जाता है, जो केवल जल ही में होता है और इतना ज़्यादा पानी लग गया है पिछले 2-3 दिन में कि पूरा पुल के ऊपर तक पानी आ गया है। देख सकते हैं आप लोग, पिछली वीडियो में मैं दिखलाया था घाघरा नदी के, मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैं नाव पर भी गया था, ये वही घाघरा नदी पूरा उफान पर है जो कि पूरा गांव में भी पानी चला गया है। हमारा गांव यहां से लगभग 200-300 मीटर अंदर है, वहां तक पानी चला गया है। दोस्तों मैं वहां भी लेकर चलूंगा, आइए दिखलाते हैं फ्रंट बैक कैमरा से आपको कुछ नज़ारा। देख सकते हैं आप लोग पूरा जल जल हो गया है पिछले 2-3 दिन में। देखिए उधर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं पुलिया पर। देख सकते हैं वहाँ मार्केट लगता है उधर, और पूरा मार्केट में पानी चला गया है। मैं वहाँ भी आप लोगों का सीन दिखलाऊंगा अभी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लेकर चलते हैं आपको मार्केट में दिखलाने कि हमारे यहाँ जो मार्केट लगता है वहाँ कितना पानी हो गया है और रास्ता भी पूरा पानी से भर गया है, जो कि मार्केट में जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को अब। तो आइए चलते हैं सीधे बाज़ार में, ताकि वही कहीं कैमरा चालू कर ले रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा गाँव का रास्ता है जो पानी की वजह से पूरा जलजला हो गया है, देख सकते हैं पूरा, देख सकते हैं ये क्या सब डूब रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बंद कर लो राकेश। तो आइए दिखलाते हैं जहाँ बड़ी बाजार लगती है वहाँ पूरा पानी से डूब गया है, देख सकते हैं आप लोग ये मॉल है और यहाँ सब सब्जी मंडी है जो कि पूरा पानी से डूब गया है। आइए लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ये मेरे गांव है और ये मार्केट है और ये मंदिर है, देख सकते हैं ये मठिया, और ये सब गांव है जो कि पानी के चपेट में आ गया है। और आइए दिखलाते हैं ये सब सब्जी मंडी है दोस्तों, देखिए उधर ट्रैक्टर खड़ा है जो कि ट्रैक्टर भी पानी में डूब गया है, फ्रंट कैमरा करो। ये देखिए क्या हो गया है, मेरा गांव पूरा पानी में डूब गया है। राकेश भाई ये देखिए, ये मंदिर है, ये मॉल है और यहाँ सेंट्रल बैंक है जो कि वो भी देख सकते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कितना पानी है। मतलब ये अचानक रात में इतना पानी आ गया, अचानक रात में इतना पानी आ गया कि कहाँ से कुछ सामान हटाया जाए कुछ समझ में नहीं आया और पूरा डूब गया है। देखिए पूरा गांव में पानी डूब गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। यह हमारा सब्जी मंडी है जहाँ तनिक भी नहीं लग रहा है कि यह सब्जी मंडी है। इधर राकेश भाई खड़े हैं, आइए चलते हैं आपको लेकर
अपने घर के तरफ, पूरा हमारे घर के तरफ भी पानी चला गया है दोस्तों, जो कि बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमको ही नहीं पूरे गाँव वासियों को। आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं स्कूल के पास, और देख लीजिए स्कूल के पास जाने में कितना लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई नदी या बांध टूट गया है, जिसकी वजह से पानी इतना बह रहा है। आप लोग देखते रहिए। और हमारे यहाँ की फसल इतना अच्छा हुआ था कि पानी की वजह से देख सकते हैं सब खत्म हो गया है दोस्तों। और ये देखिए देखिए आगे स्कूल है, आइए लेकर चलते हैं स्कूल के पास। देख सकते हैं हमारे साथ पंकज और राकेश भी हैं। पानी का मजा कुछ अलग है दोस्तों। मजा नहीं, सब साझा हो गया है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर फसल हुआ था, देख सकते हैं इसमें धान लग गया था, जबकि बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों। इतना पानी देखिए, वो सब गांव घर डूब गया है, देख लीजिए। ट्रैक्टर भी उधर रखा हुआ है, बतलाइए इतना दिक्कत में हम लोग हैं कि क्या कहा जाए। जुड़े रहिए, चलते हैं डायरेक्ट स्कूल पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है तो मोबाइल गिर भी सकता है इसलिए। हमारी गाँव की स्कूल जो है वो बंद हो गई है, क्योंकि पूरा स्कूल में पानी घुस गया है, देख सकते हैं आप लोग। इसके सामने वो देखते हैं पूरा स्कूल में पानी चला गया है, जिसकी वजह से हम लोग पूरा काम रुक गया है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बाजार हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सब पानी की वजह से देख सकते हैं पूरा गांव घर डूब गया है। इधर देखिए पूरा घर में पानी चला गया है। तो मैं पकड़म राकेश पकड़ मार दबा एगो अथा संग पकड़ सक तो बहुत ज़्यादा हमारे गांव में इस बार भगवान पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए हैं और इतना बड़ा समस्या दे दिए हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाए, ये दुआ कीजिए। और बस जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू।